हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद सर आप सबका सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको सामान्य विज्ञान के ऐसे टॉप 25 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रेलवे ग्रुप डी की परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि वो सारे क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। और ये प्रैक्टिस सेट का 11वां भाग होगा जो कि पिछले वीडियो में मैंने 10वां भाग डाला है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट में ये है कि आप लोग सारे वीडियो जरूर देखें क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब जो कि एग्जाम्स में पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, इनमें से कौन एक प्रकार का उत्तक है। तो इनमें से कौन एक प्रकार का उत्तक है, तो यहाँ देखते हैं हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है आहार नाल, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है रुधिर और ऑप्शन डी है अग्नाशय। तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, रुधिर। रुधिर एक प्रकार का उत्तक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हवर्सीय नलिकाएं और तंत्र कहाँ पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन इसका है पक्षियों की हड्डियों में, ऑप्शन बी है मेंढक की हड्डियों में, ऑप्शन सी है उपास्थियों में और ऑप्शन डी है केवल स्तनियों की हड्डियों में। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेवर्सियन नलिकाएं और तंत्र केवल स्तनियों की हड्डियों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। तो हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं, या ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं, या इनमें से सभी होते हैं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट होते हैं। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। तो हड्डियों में सबसे ज़्यादा अधिक कौन सा लवण पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है सोडियम क्लोराइड और ऑप्शन डी है कैल्शियम फास्फेट। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कैल्शियम फास्फेट। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये अस्थि को पेशी से जोड़ने वाली रचना। तो अस्थि से पेशी को जोड़ने वाली रचना कौन सी है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला है कंडरा और दूसरा है स्नायु, तीसरा है उपास्थि और चौथा डी जो ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा वो कंडरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं, आगे प्रोटीन की कमी से होता है। तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है। तो इसका ऑप्शन ए है एथेरोक्लीरोसिस और ऑप्शन बी है क्वासर कोर, ऑप्शन सी है बावल सिंड्रोम और ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलेथिरिज्म। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वासर कोर होता है प्रोटीन की कमी से बीमारी। इसके बाद अगला देखते हैं क्वेश्चन, ये देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस को देखते हैं। गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई है। तो गर्भवती महिला के लिए दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन के लिए, मतलब कि आयरन जरूरी होता है। तो ये देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है ए, ऑप्शन है 5 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर बी है 10 मिलीग्राम, ऑप्शन नंबर सी है 20 मिलीग्राम और ऑप्शन नंबर डी है 40 मिलीग्राम। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 40 मिलीग्राम। गर्भवती महिलाओं को दैनिक आहार में 40 मिलीग्राम आयरन की संस्तुति की गई है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अंडा में, ऑप्शन नंबर बी है मछली में, ऑप्शन नंबर सी है दूध में और ऑप्शन नंबर डी जो है वो गेहूं में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मछली में सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है।
और वैसे तो ऑप्शन देखकर ही आंसर को आंसर का जवाब देना चाहिए, क्योंकि ऐसे पढ़े होंगे किसी और में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, मान लीजिए सोयाबीन में सबसे ज़्यादा पाई जाती है प्रोटीन की मात्रा, फिर अगर यहाँ पर दाल हो जाता तो दाल में पाई जाती, तो इस हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से आप आंसर को चुन सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है कार्बोहाइड्रेट, और ऑप्शन सी है वसा, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो खनिज और विटामिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, वसा, वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है वो, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा मिलती है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 9.3 कैलोरी, ऑप्शन बी है 4.1 कैलोरी, ऑप्शन नंबर सी है 7.5 कैलोरी, और ऑप्शन नंबर डी 10.5 कैलोरी। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो 9.3 कैलोरी होगा, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा था कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है, तो वो वसा से मिलती है, और वह कितना मिलता है, कितना कैलोरी ऊर्जा मिलता है, वो 9.3 कैलोरी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है? तो प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है जिंक, ऑप्शन नंबर बी है कॉपर की, और ऑप्शन नंबर सी है पोटेशियम की, ऑप्शन नंबर डी है नाइट्रोजन की। तो यहाँ पर सही आंसर जो होता है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन तत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो साथ ही साथ लाइक करते चलिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको। और आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है, तो इनमें से कौन सा हीमोग्लोबिन और साइटोक्रोम का घटक है? तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है जिंक, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है आयरन, और ऑप्शन डी है मैग्नीज। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा आयरन, आयरन हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। यदि कोई व्यक्ति, अगला क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं इसका, रतौंधी, ऑप्शन बी है रिकेट्स, ऑप्शन सी है बेरी बेरी, और ऑप्शन डी है स्कर्वी। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो स्कर्वी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे स्कर्वी रोग हो सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है, तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सी है? तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, थायमिन है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है टोकोफिरॉल है, और ऑप्शन नंबर सी है नैप्थोक्विनोन है, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो फोलिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर जो होगा रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन जो है वो नेफ्थोक्विनोन है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है, तो कौन सा है? गाजर है, ऑप्शन बी है पका आम, ऑप्शन सी है धनिया पत्ती, और ऑप्शन डी पेठा। तो यहाँ सबसे उत्कृष्ट स्रोत अगर कहा जा रहा है तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत तो जो है वो गाजर है। और इसके बाद अगला देखते हैं, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है, तो विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत कौन सा है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है आंवला, ऑप्शन बी है संतरा, और ऑप्शन नंबर सी है कागजी नींबू, और ऑप्शन नंबर डी जो है वो कमरख है। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कागजी नींबू, जो कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। इसके बाद थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो थायमिन का जो सर्वोत्तम स्रोत है इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। और इसका ऑप्शन ए है काजू, ऑप्शन बी है अखरोट, ऑप्शन सी है बादाम, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, काजू। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन जो है कि वो पूछा गया है सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? तो सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन देख लेते हैं इसका, गेहूं में पाया जाता है या चावल में, या ऑप्शन नंबर सी जो है वो मक्का में, या ऑप्शन नंबर डी ज्वार में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मक्का में,
सर्वाधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, स एंजाइम के रूप में, या ऑप्शन बी है एंजाइम्स के रूप में, या ऑप्शन सी हार्मोन के रूप में, या ऑप्शन ऑप्शन डी है पाचक पदार्थों के रूप में। तो यहाँ पर सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, स एंजाइम के रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसमें सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। तो सुक्रोज शर्करा किसमें पाई जाती है, ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन ए है गन्ना, ऑप्शन बी है शहद, ऑप्शन सी है दूध और ऑप्शन डी है नारंगी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गन्ना में सुक्रोज शर्करा पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सारे क्वेश्चन को अगर ये वीडियो आप 2 से 3 बार देखते हैं तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे आसानी से। और अगला देखते हैं, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन ए है सेलुलोज, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है यहाँ पर ग्लूकोज और ऑप्शन डी है सुक्रोज। तो इसका सही आंसर जो होगा ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकराइड है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या होती है कितनी होती है। तो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या, ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए होता है 15, ऑप्शन बी है 22 और ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन नंबर डी है 10। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 होती है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद लंबे समय तक निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाले रोग का नाम बताएं। तो लंबे समय तक अगर निकोटिनिक अम्ल की कमी होती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है। तो यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है बेरी बेरी, ऑप्शन बी है पेलाग्रा और ऑप्शन सी है स्कर्वी और ऑप्शन डी है रक्त छिड़ता। तो यहाँ सही आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबे समय तक निकोटेनिक अम्ल की कमी से होने वाला रोग जो है वो पिलाग्रा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारे रक्त में उपस्थित सामान शर्करा होती है, तो हमारे रक्त में उपस्थित सामान शर्करा होती है, ऑप्शन इसका देखते हैं गैलेक्टोज, ऑप्शन बी देखते हैं इसका लैक्टोज, ऑप्शन सी जो है वो सुक्रोज है और ऑप्शन नंबर डी जो है वो ग्लूकोज है। तो इसका सही आंसर जो होगा हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा ग्लूकोज के रूप में होती है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। तो इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है और फिर भी शर्करा नहीं है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है सैक्रीन, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन और ऑप्शन डी है स्टार्च। तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सैक्रीन। और इस तरह से टॉप 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। और अगले वीडियो में मैं फिर मिलूंगा नए क्वेश्चन के साथ, नए टॉप 25 क्वेश्चंस के साथ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जाएंगे। और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल के आइकन पर क्लिक जरूर करेंगे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।